CSIR नेट JRF एग्ज़ाम क्या है, क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होता है, कट ऑफ क्या रहती है और हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो इस टाइप के सवालों के जवाब लेकर मैं आया हूँ आपके सामने इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं कपिल धवन, स्वागत करता हूँ आपका धवन स्टडी पॉइंट पर। CSIR नेट JRF क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि CSIR नेट JRF ये तीन जो वर्ड आ रहे हैं इनका मीनिंग मैं एक बार आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं वन बाय वन जितने भी सवाल आपके जितने भी क्वेरीज हैं इसको रिगार्डिंग मैं आपको सारी क्लियर करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी हैं और आगे मैं PhD भी कर रहा हूँ, LS का एग्ज़ाम, ये जो LS होता है, JRF है, नेट है, ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, और मैं PhD कर रहा हूँ अभी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ CSIR नेट JRF एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, तो देखना एक बार। हाँ जी, CSIR क्या है, CSIR एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि CSIR नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है। CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। CSIR नेट JRF एग्ज़ाम ओनली एंड ओनली इनके लिए है, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है, जो स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम है, वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए इसी टाइप का एग्ज़ाम होता है नेट JRF एग्ज़ाम, बट वो UGC उस एग्ज़ाम को बोलते हैं UGC नेट JRF, ठीक है। मतलब CSIR वाले को इस एग्ज़ाम को कभी भी आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं दे सकते, ये केवल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्लियर। मतलब साइंस वाले स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को देंगे, क्लियर। एग्ज़ाम का नाम क्या होता है, CSIR नेट एग्ज़ाम। पहले ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करता था, ठीक है, अभी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लग गया, तो ऑनलाइन होने लग गया तब से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, क्लियर। ये एग्ज़ाम कौन कराता है, कंडक्ट NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्लियर। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट इन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, साल में 2 बार होता है, एक होता है ये जून के मंथ में और एक होता है ये दिसंबर में, एक तो कब होता है जून में, एक होता है दिसंबर में, क्लियर। जून और दिसंबर में 2 बार होता है। बाईलैंग्वल इसका पेपर आता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप इसको इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, क्लियर है चीज़। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें होगी नॉर्मल कि CSIR क्या होता है, CSIR नेट एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, क्या होती है। CSIR एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, देखो एज रिलेक्सेशन के बारे में आपको बताऊं, मैं एज रिलेक्सेशन के बारे में इसके बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको कि इसमें नेट जो होता है, देखो एक बार CSIR नेट एग्जाम के बारे में कुछ चीज़ें और बताता हूं मैं आपको कि CSIR का नेट का जो एग्ज़ाम है, CSIR ये नेट का एग्ज़ाम जो होता है, इसमें आपको 2 टाइप की चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा JRF, एक मिलता है इसमें LS। LS और JRF के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, समझना इसको ध्यान से बहुत, कि जब आप नेट JRF का एग्ज़ाम दोगे तो आप LS के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और JRF के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप LS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको केवल लेक्चरशिप की डिग्री मिलेगी, ठीक है, और अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको JRF प्लस LS लेक्चरशिप दोनों का क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको दोनों का सर्टिफिकेट मिलेगा, JRF का भी और LS का भी, ठीक है। इसके लिए अगर आपको केवल LS का सर्टिफिकेट मिलता है या फिर आप LS के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आप असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए स्टेट में जो RPSC होती है या फिर जितनी PSC जो होती हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उनमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप JRF लेते हो, अगर आपको आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो आप PhD कर सकते हो इजीली, ठीक है। JRF होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एक फेलोशिप होती है जो कि आपको PhD के ड्यूरेशन में मिलती है। अगर आप PhD करते हो आफ्टर MSc तो ही आपको ये फेलोशिप मिलेगी, क्लियर है चीज़। तो ये 2 चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए, एग्ज़ाम दोनों का एक ही होता है CSIR नेट एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन आपको इसे JRF की डिग्री मिलेगी और LS की भी मिलेगी, लेक्चरशिप की भी, ठीक है। यहाँ से आप PhD में जा सकते हो, मतलब ये आपके लिए रिसर्च के रास्ते खोल देता है, एक तरीके से आपके लिए रिसर्च के रास्ते खोल देगा आपको, आपके सामने, ठीक है। आप PhD करोगे तो उस केस में आपको फेलोशिप मिलती है। तो मैं एक बार एक अलग से वीडियो बना दूंगा JRF पर, देखिए आपको 20 वीडियो में जितना मैं बता सकता हूँ उसको बता दूंगा, फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो JRF के रिगार्डिंग हो, LS के रिगार्डिंग हो, लेक्चरशिप के रिगार्डिंग हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग हो, या फिर किसी और नेट JRF के रिगार्डिंग कोई और भी क्वेरीज हो तो वो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर 5-6 क्वेरीज एक साथ आती हैं तो मैं उन पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ओके, देखना। हाँ जी, तो एज रिलेक्सेशन क्या है इसका, कि नेट और JRF जो होता है, अगर आप केवल नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब LS के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम एज तो है 19, वो तो 19 तो यहाँ पर भी है, मिनिमम तो है 19 साल से पहले आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, क्लियर। मैक्सिमम जो होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल है, मतलब 19 से 28 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 3 साल का रिलेक्सेशन है, मतलब आपके लिए
31 साल हो जाती है इसकी, और अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट हो तो वहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है। क्लियर, तो ये हो गया अपना एज रिलेक्शन के बारे में। अब एक मैं बात करता हूँ कि इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, मतलब इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। ठीक है, मतलब क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ मैं एक बार यहाँ पर, आइए तो क्वालिफिकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि आपके पास पीजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पीजी इन साइंस स्ट्रीम, इन साइंस, साइंस का कोई भी जो सब्जेक्ट है उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, पीजी एमएससी होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के बात यह है। ठीक है, और वो भी होनी चाहिए विद, हाँ जी, विद 55%, 55% के साथ आपके इसमें पीजी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, अगर इससे कम है तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। क्लियर, ये है इसकी क्वालिफिकेशन। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स से है, जैसे मैं खुद जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरे पास केमिस्ट्री ऑनर्स थी, तो केमिस्ट्री ऑनर्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो आप बीएससी ऑनर्स में फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम को दे सकते हो। तो ये केवल ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से बेनिफिट है वो। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का भी, मतलब एमएससी में अगर कोई जनरल पास कोर्स से है, बीएससी पास कोर्स से है, तो वो केवल और केवल एमएससी होने के बाद और एमएससी के साथ, ठीक है, इसके साथ वो एग्जाम दे सकता है। क्लियर है चीज़, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और बीएससी ऑनर्स वाला स्टूडेंट भी दे सकता है बीएससी के साथ ही, बस बीएससी फाइनल ईयर में। क्लियर, उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस है वो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा मैं उसमें। क्लियर है, आइए देखो उसके बाद एग्जाम फीस के बारे में बात करता हूँ। तो जनरल कैटेगरी की 1000 रुपये होती है, A1000, OBC की 500 और SC ST जो होते हैं इनकी 250 और PWD की NIL। क्लियर है चीज़, इनकी कोई फीस नहीं होती, फ्री होता है उनके लिए फॉर्म। हाँ जी, आइए अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोग ये पूछते हैं कि सर इसका पैटर्न क्या होता है इस एग्जाम का, उसके बारे में और बता दो। तो देखो इसका हम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न का, इसका सिलेबस जो होता है वो, इसका पेपर एक ही होता है। एग्जाम इसका क्या होता है, केवल सिंगल पेपर में एग्जाम होता है इसका, सिंगल पेपर। हाँ जी, सिंगल पेपर होता है एक ही, उस पेपर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब मैं केमिस्ट्री से हूँ तो मैं आपको एक बार केमिस्ट्री का पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसमें, कि एग्जाम कैसे कैसे आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल कितने आते हैं, वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और बाकी हर एक सब्जेक्ट का एक सेम पैटर्न होता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ कि हर सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार मैं केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। देखो 3 पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 करने होते हैं। पार्ट बी में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको वहाँ पर 35 करने होते हैं। और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको 25 करने होते हैं। ये जो क्राइटेरिया है ये अभी चेंज हुआ है 2 साल से, इससे पहले ये क्राइटेरिया अलग था। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए की बात करता हूँ, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। पार्ट ए में केवल और केवल मैथ्स रीजनिंग के सवाल आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं। देखिए वहाँ पर आपको 20 सवाल मिलेंगे, इस 20 में से आपको करने रहेंगे केवल 15 क्वेश्चन, कितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, 15। क्लियर है चीज़। उसके बाद मैं बात करता हूँ बी और सी की। देखो बी और सी, ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये बी और सी सेक्शन जो है ये वाला, ये पूरा सेक्शन बिलोंग करता है किससे, आपके प्योर सब्जेक्ट से। किससे बिलोंग करेगा, सब्जेक्ट से। ठीक है, ये आपका जो सब्जेक्ट है उससे रहेगा, ये पूरा का पूरा आपका ये। क्लियर है चीज़। अब आते हैं हम आगे, देखो समझना इस चीज़ को। जो बी पार्ट होता है वो सब्जेक्ट से आते हैं, लेकिन उसमें बी पार्ट में थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक सवाल होता है। यहाँ पर आपके सामने 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उन 40 में से आपको 35 अटेम्प्ट करने होंगे। कितने अटेम्प्ट करने होंगे, मैक्सिमम आप 35 अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो तो आपके चेक नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम फ्रॉम सब्जेक्ट। हाँ जी, अगर सी पार्ट में, सी पार्ट की बात करें तो ये 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स ईच। हाँ जी, और यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं, और इस 60 में से आपको, हाँ जी, 25 मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैराइटीज़ मिली है आपको क्वेश्चंस की, तो आप अपनी इच्छा से कोई से भी 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया, ये अपना पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हो गया। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस पर करना पड़ेगा, ये पार्ट सी पर। पार्ट सी में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 मार्क्स तो आप यहीं से गेन कर सकते हो। अगर आपके 25 में से 20 सवाल भी सही हो जाते हैं तो 80 नंबर तो यहीं से आ गए। उसके बाद आपको पता है नेट जेआरएफ की जो कट ऑफ रहती है वो मैं बताने वाला हूँ अभी। तो कट ऑफ आप इसकी 100 से 115 के बीच मानो, 120 मानो, ये एक 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 मतलब एक रेंज है इसकी, ये कट ऑफ की। ठीक है, तो इस रेंज में आपको मार्क्स लाने होते हैं। तो ये सबसे अहम रोल होता है इसका, सी पार्ट का। ये जो सी पार्ट है ये 4 मार्क्स का होता है, इसका सबसे अहम रोल होता है।
क्लियर है चीज़। मैं आपको और बताऊंगा कि नेट जेआरएफ की एग्जाम की तैयारी कैसे करें। मैं अभी धवन स्टडी पॉइंट पर नेट जेआरएफ एग्जाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, अगर किसी को केमिस्ट्री से है और वो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो यहाँ से पढ़ सकता है। अभी मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पर चलाई हुई है, तो वो यहाँ से आराम से नेट जेआरएफ की तैयारी करें, ठीक है। और एनसीईआरटी का बैच भी हम वहाँ से चला रहे हैं, तो आप वहाँ पर अगर आपके कोई स्टूडेंट कोई भाई है, भाई बहन है या आस पड़ोस में है जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो वो एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे सब्जेक्ट्स पर। देखिए सीएसआईआर नेट एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो केवल साइंस स्ट्रीम के लिए होते हैं, वो भी केवल 5 टाइप के। कैसे? एक तो है केमिस्ट्री में, तो उसका नाम केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और अर्थ एटमॉस्फेयर और ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस। तो इस टाइप से ये 5 एग्जाम कंडक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि टोटल, जैसे मैंने इधर बताया था आपको, देखिए 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलते हैं। उन 120 में से आपको 15, 35 और 25 कितने हो गए, 75 कितने हो गए, 75 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं 120 में से। वही चीज़ें यहाँ पर भी, मतलब आपको केमिकल साइंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन आते हैं, 75 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। लाइफ साइंस में 145 आते हैं, 75 अटैम्प्ट करने होते हैं। फिजिकल साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 75 आते हैं, 55 करने होते हैं। मैथ्स में 120 आते हैं, 60 करने होते हैं और बाकी में 150 आते हैं और 75 करने होते हैं। ये एक पैटर्न होता है ये, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस का वो ये पार्ट ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा, वो सब अलग अलग आते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं हर एक सब्जेक्ट पर अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। ये मैंने कॉमन बनाया, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। ये एक फ्लो चार्ट रहता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आइए उसके बाद कट ऑफ की बात करता हूँ। देखो कट ऑफ जो होती है वो हर साल वेरी करती है अलग अलग इसकी, ठीक है। मैं अगर इस साल की बात करूँ, पिछली बार तो आपको पता है कि लास्ट ईयर कोरोना चल रहा था, अभी भी कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो जून में इसका एग्जाम जून में होता है और दिसंबर में होता है, तो लास्ट ईयर जून वाला एग्जाम हो नहीं पाया था। जून वाला एग्जाम नवंबर में जाके हुआ था, उसके बाद दिसंबर वाला एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और ना ही जून में होने, जून वाला जो एग्जाम है इसके होने के आसार हैं, तो कोई पता नहीं है अभी तो। मतलब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, तो इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और इनका जो कंडक्ट कराने का तरीका है वो भी अभी थोड़ा चेंज हो चुका है कोरोना की वजह से। बट ये एग्ज़ाम जनरली कॉमनली ये एग्ज़ाम जून में और दिसंबर में होता ही है, सही है। कब होता है? जून में और दिसंबर में, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, जो कि हाँ जी नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि कौन सा था, हाँ जी जून 2020 वाला एग्ज़ाम था, वो कब हुआ था, नवंबर में। और उसकी जो कट ऑफ रही थी जेआरएफ की, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं आपको, केमिकल साइंस की, केमिकल साइंस की जनरल कैटेगरी की जेआरएफ की कट ऑफ रही थी, वो रही थी 50.45%, ठीक है। अभी 54, इसका मतलब क्या है, देखो नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, कितने का होता है, 200 मार्क्स का होता है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लगभग लगभग 101 नंबर हो गया, ठीक है, 101 नंबर हो गया ये, 100.9 ये हो गया इसका। और नेट की कट ऑफ देखें अपन, तो नेट की कट ऑफ रही थी वहाँ पर 90 के आसपास, ठीक है, ये इसकी कट ऑफ रही थी नेट की। तो जेआरएफ कट ऑफ कितनी रही थी, 50, 101 के आसपास, और ये रही थी अपनी 90। तो मार्क्स है अगर मैं परसेंटेज में देखूँ उसको तो 45 के आसपास रही थी, 45% कुछ, मतलब 90 मार्क्स के आसपास, ठीक है। तो ये एक कट ऑफ रही थी, तो मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें ये, ठीक है। तो देखो समझना एक बार ध्यान से, तो यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें 3 सेक्शन आते हैं, ए बी और सी, और अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में 120 आते हैं, 75 करने होते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्वालिफिकेशन पीजी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, क्लियर है। तो ये इसके क्वालिफिकेशंस हो गई। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 19 से 28 साल का बंदा कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है, 3 साल ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन और 5 साल एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी के लिए। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस जो होता है इसका हर एक सब्जेक्ट का होता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग के, मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है, उसमें से आपको 15 करने होते हैं। पार्ट बी और सी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब कट ऑफ की हम बात करते हैं, तो कट ऑफ इसकी अगर मैं एक रेंज बताऊं सारे सब्जेक्ट की, तो 100 से 115 के बीच में जेआरएफ की कट ऑफ रहती है, ठीक है, मतलब 100 से ऊपर आपको ऊपर लाने पड़ेंगे। इसकी तैयारी कैसे करें, देखो ये एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आप इसमें थ्योरी बेस्ड जा नहीं सकते, आपने थ्योरी पूरी पढ़ रखी है तो आप ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ एग्ज़ाम में जाओ और आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे या आप पास हो जाओ, हो भी सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए,
मतलब इसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अपने हाथ के नीचे से निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है इसकी, ठीक है। शीट्स निकालनी पड़ेंगी आपको दुनिया भर की, आपको DPPs जो डेली प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये इसका मूल मंत्र है इस एग्जाम का, ठीक है। अगर आपको नेट JRF की इसकी तैयारी के लिए और अच्छे से सीखना है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बताना इसके बारे में, ठीक है, कि नेट JRF की तैयारी कैसे करें, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए अगर आप चाहोगे तो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अभी धवन स्टडी पॉइंट पर हमारे चैनल पर नेट JRF की तैयारी कराई जा रही है केमिस्ट्री की रिगार्डिंग, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो किसी भी तरह की आपकी और कोई क्वेरीज हो, अभी तक मैंने आपको केवल ये बताया कि CSIR नेट JRF एग्जाम क्या होता है, इसके बाद क्या होते हैं, केमिस्ट्री में क्या स्कोप है, मैथ्स में क्या स्कोप है, देखिए BSc के बाद क्या क्या स्कोप्स होते हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा अलग से, ठीक है। आगे जैसे आपकी JRF होती है, नेट JRF के बाद आपकी JRF होती है, LS होती है, तो उनमें JRF में क्या क्या स्कोप्स हैं, LS में क्या क्या स्कोप्स हैं, JRF होने के बाद आप PhD में जाते हो या आप किसी IITs में जाते हो PhD करने के लिए, या आप किसी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हो जैसे DRDO में चले गए, BARC में चले गए, तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी के बारे में मैं जानता हूँ और आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी। लेक्चरशिप अगर आप एलिजिबल होते हो तो उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप किसी भी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो कि कोई प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पर कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर बताना, उसका मैं आपको कमेंट में बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और भी कोई क्वेरीज हो बिल्कुल बताना, नेट JRF की रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, PhD के रिगार्डिंग, फेलोशिप्स के रिगार्डिंग, कि JRF फेलोशिप होती क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई बंदा PhD कर रहा है तो PhD में भी अगर उसकी JRF है हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरे से पूछे JRF में भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको कैसे रिजोल्व करना है, JRF से SRF में कन्वर्ट नहीं हो रही तो वो मुझसे पूछे, PhD में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मेरे से पूछे, लेक्चरशिप के बारे में पूछ सकते हैं, और अगर मैं थोड़ा इस फील्ड से बाहर जाऊँ रिसर्च से तो गेट के बारे में पूछ सकते हो मुझसे, और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिनके बारे में पूछ सकते हैं, IIT JEE जो कि BSc के बाद ही हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। तो किसी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। ओके, थैंक यू सो मच।